आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा कैंट स्टेशन से बा बटेश्वर होकर इटावा मैनपुरी जाने वाली पहली पैसेंजर ट्रेन 26 फरवरी से शुरू हो गई है। 11 महीने बाद ट्रेन फिर से शुरू की गई है। पहले दिन ट्रेन में इक्का दुक्का यात्री ही नजर आए। कोरोना संकट काल के दौरान बंद हुई सवारी गाड़ियों को फिर से पटरियों पर लाया जा रहा है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन को फिर से शुरू किया गया। पैसेंजर ट्रेन आगरा कैंट से भांडई बा बटेश्वर इटावा होते हुए मैनपुरी के लिए शुरू की गई है। लंबे समय बाद ये ट्रेन शुरू हुई है। ऐसा बताया गया है कि 11 महीने बाद फिर से पैसेंजर ट्रेन पटरी पर आई है। पैसेंजर ट्रेन में बिना आरक्षण के आप यात्रा कर सकते हैं। पहले दिन ट्रेन के अंदर इक्का दुक्का यात्री ही नजर आए। जो यात्री ट्रेन के अंदर मौजूद थे वे बेहद खुश नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि किराया भी कम है, आरामदायक सफ़र है और समय भी कम लगता है। बेसब्री से वे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अब तक बस से यात्रा करने को मजबूर थे। मैं इटावा जाना है, मैं तमिलनाडु से आया। अच्छा लग रहा है, नहीं तो हुई तो गाड़ी में जा सकते जाने बस से, बस से जाने के लिए वही तो मुश्किल है। इससे जाने के तो टाइम पे थोड़ा जल्दी जा जाए चले जाएगी। कितना किराया लगा लग रहा है? 65 रुपया। हाँ बहुत कम। मैं बटेश्वर जा रहा हूँ जी। आज ही से स्टार्ट हुई है, ये कम से कम 11 महीने हो गए कोरोना काल से पहले ही। बस से आना जाना थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, वही हमारे घर के पास ही मतलब रेलवे स्टेशन है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया गया। रेलवे कर्मचारियों ने हाथ दिखाकर लोको पायलट का अभिवादन किया। ये ट्रेन इटावा होते हुए मैनपुरी जाएगी। ये करीब 11 महीने बाद ट्रेन को स्टार्ट किया है और इस सेक्शन में कोई ट्रेन नहीं थी। पैसेंजर को परेशानी को देखते हुए रेलवे ने इस ट्रेन को चालू किया। हाँ बटेश्वर होकर के जाती है, जो एक तीर्थ स्थल भी है हमारा आगरा का माना हुआ, वहाँ के लोगों को पहुँचाने के लिए एक सुविधा है। आगरा कैंट से होकर भा बटेश्वर से मैनपुरी जाने वाली एक ट्रेन 26 फरवरी को शुरू की गई है। साथ में मथुरा पलवल के बीच भी एक ट्रेन 26 फरवरी को ही शुरू की गई है। इन दोनों ट्रेन के शुरू हो जाने से आम यात्रियों को भारी राहत मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। कोरोना का संकट जिस समय शुरू हुआ था, सभी ट्रेनों के पहिए थाम दिए गए थे, ट्रेनें बंद कर दी गई थी, केवल मालगाड़ियां ही पटरी पर दौड़ रही थी। कोरोना का प्रभाव कम हुआ उसके बाद रेलवे के द्वारा लगातार ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है। आगरा कैंट से इटावा मैनपुरी जाने वाली एकमात्र ट्रेन थी जो भा बटेश्वर होकर जाती है। ये ट्रेन भी बंद थी, लेकिन 11 महीने बाद 26 फरवरी को इस ट्रेन को फिर से शुरू किया गया। हालांकि पहले दिन यात्रियों की संख्या ना के बराबर रही, लेकिन जो यात्री इस ट्रेन के अंदर यात्रा करते दिखाई दिए उनका कहना था किराया भी कम। आगरा से इटावा 65 रुपये जबकि बस के अंदर 160 रुपये के आसपास लगते हैं। किराया भी कम, समय की भी बचत और आरामदायक सफ़र। लंबे समय से इस ट्रेन से यात्रा करने वाले लोग इस ट्रेन को शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई। कम यात्रियों को लेकर 26 फरवरी को ये ट्रेन इटावा के लिए रवाना हुई। सभी के चेहरों पर खुशी देखी जा रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि धीरे धीरे इस ट्रेन के अंदर भी यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।